Uh, उस वक्त रियलाइज नहीं हुआ जब मुझे लोग कहते थे कि दैट यू गुड बी स्पॉइल्ड After working <laughs> with Rashi, you're gonna be spoiled. There is a constant comparison that happens कि वहाँ कैसे था कुछ सेट्स में जैसे हम देखते हैं कभी कभार कुछ के होता है थोड़ा शोर शराबा होता है बट यहाँ पे देर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ कामनेस पॉजिटिविटी राजश्री के 75 फाइव ईयर सेरेमनी पर हमारे साथ है फैमिली के एक और सदस्य अक्षय आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह से राश्री के साथ में आपकी जो सारी की सारी चीज़ें शुरू हुई और पियार अलबेला शो इतना yes. शो को लोगों ने पसंद किया डेफिनेटली जाना चाहेंगे जी हाँ बिला से मेरी जर्नी डेफिनेटली शुरू ही है लाइक like इन uh, हिंदी टेलीविज़न yeah. इंडस्ट्रीज yeah. के पहले आई वाज डूइंग मराठी टेलीविजन एंड मूवीज़ और फर्स्ट uh, पहला जो ब्रेक था वो मुझे राजश्री के थ्रू मिला सो yeah. so, कहते हैं कि उसकी वजह से मेरे काफ़ी दरवाजे खुल गए पी आर से पहले मेरा एसोसिएशन राष्ट्रीय से हुआ था वॉज फॉर अ शॉर्ट फिल्म कॉल्ड एज ग्रीटिंग्स ऑफ द डे या बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि उसके पहले ना मैंने कोई शॉर्ट फिल्म की थी एंड uh, वो एक इनिशियल जिटर्स भी थे कि यू गेटिंग एसोसिएट विथ सच बिग प्रोडक्शन हाउस जिसके फिल्में हमने बचपन से देखी है जिनके बारे में हमने सुना हुआ है तो शुरुआत में काफ़ी नर्वसनेस थी बट इट्स इट वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसिस ऑफ माई लाइफ एंड जो मैं हमेशा जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो अपने एक्सपीरियंसिस लोगों से शेयर करता हूँ कि मैं uh, कितना फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने मतलब वो भी अपने uh, करियर की इतनी शुरुआत में <laughs> मुझे मतलब लोग हमेशा कहते हैं कि लाइक यू बी इंसपॉइल्ड की तुमने शुरुआत ही तुमने इतनी अच्छी की है तो आगे जाके वो वो चीज़ उस लेवल पर पहुँचना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा बट आई एम एवर ग्रेटफुल पी आल बेला ने um, जो जो मुझे दिया लाइक मेड बी फॉर माई परफॉर्मेंस मेड बी फॉर लाइक द रिक्निशन सारी चीज़ें बड़ी yeah. uh, uh, से कि उससे जुड़ी हैं एंड आई ओवर लॉट टू The people who gave that to me, so yeah, I'll be always thankful to them. ये शुरुआत कैसे हुई जो short film है किस तरह से आपको select किया गया आप वहाँ पर गए थे ये कैसे शुरू हुआ सारी चीज़ जानना चाहेंगे इसकी शुरुआत ऐसे थी कि जब मैं एक मराठी फिल्म करा था तो उस दौरान मेरी मुलाकात हुई किसी से जो राष्ट्रीय में कास्टिंग टीम में बिलोंग रहे थे तो उन्होंने बोला कि यार तुम तो अच्छा करो तुम हिंदी में क्यों नहीं ट्राई करते टू विच आई वॉज नहीं कि मैं जानता नहीं किसी को हिंदी में तो उन्होंने कहा कि किसी दिन आना ऑफिस में कई ऑडिशन वगैरह देने के लिए तो मैं जब गया था तभी ओपन ऑडिशन शुरू थे ऐसे कोई प्रोजेक्ट आ नहीं रहा था या ऐसे कुछ नहीं है ना लाइंड अप थे मुझे right. जब मैं वहाँ गया तो मैंने एक, एक दो स्क्रिप्ट के ऑडिशन दी तब तो मुझे कहा था कि हम अगले साल आ, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू करने वाले हैं टेलीविजन के लिए एंड डनली मुझे कुछ महीनों बाद कॉल आता है एंड देट वॉज फॉर अ शॉर्ट फिल्म एक इंग्लिश शॉर्ट फिल्म थी तो काफी यूनिक था uh, क्योंकि मैंने मतलब ऐसी चीज कभी पहले की नहीं थी लाइफ mm. में सो so, जो स्टोरी थी वो काफी यूनिक थी एंड कहीं ना कहीं पहले ऑडिशन के बाद आई डोन्ट थिंक वो लोग जो कृष्ण uh, जिसने डायरेक्ट की थी वो फिल्म mm. कि वो इतना कॉन्फिडेंट था बट आई सो आई वो सो किड अबाउट इट तो मैंने उनसे फिर से दरखास्त की कि प्लीज़ अगर मुझे एक और मौका दे से आप मुझे फिर से ऑडिशन कीजिए एंड येस दूसरी बार ऑडिशन किया दे लाइक इट एंड हमने वो शॉर्ट फिल्म शूट की uh, mm. उसके बाद मुझे कॉल आया था पी आर बेला के लिए तो मुझे जब कॉल आया तो मुझे पता नहीं चला था बट आफ्टर मैनी मंस जब जी. मेरी लोगों से जान पहचान हुई दोस्ती हुई तब उन्होंने मुझे बताया कि तेरी वो शॉर्ट फिल्म जो थी वो आ, सूरत सर ने देन, राज बाबू ने एंड द अदर टीम मेंबर्स क्रिएटिव्स जो थे उन्होंने वो शॉर्ट फिल्म देखी और देखे। जी हाँ और उन्होंने उन्हें उस शॉर्ट फिल्म में कुछ चीज़ अच्छी लगी एंड दैट इज़ वाई आई गॉड कॉल फॉर पिया अलवेला एंड फिर चीज़ें हुई मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार सूरज सर से भी मिला था एंड uh, उन्होंने मुझे पियाल बिला बेला का नरेशन दिया था तो उस वक्त मैं मराठी फिल्में कर रहा था तो आई वॉज़ uh, तो टेलीविजन वॉज नॉट इन माई टॉप प्रायरिटी लिस्ट उस नहीं। वक्त नहीं। लेकिन जब मुझे वो नरेशन मिला एंड जिस तरीके से नरेट करते हैं लाइक मुझे आज भी वो दिन याद है कि, कि ना बोलने का तो सवाल ही नहीं था बिकॉज इट वॉज़ इतनी अमेजिंग कहानी थी इतनी अलग चीज़ थी जब मैंने मतलब मैंने खुद पहली बार सुनी तो आई वॉज लाइक कि यार ये मुझे डेफिनेटली करना है नो मैटर वॉट एंड वो दिन था और जब तक हमने शूट शुरू किया hmm. एक लंबा प्रोसेस था इतना लंबा प्रोसेस uh, मैंने मैं किसी प्रोजेक्ट में मैं उसमें uh, लाइक इतना इतना इन्वेस्टमेंट जो था hmm. वो मेरा कैरेक्टर रहे वो उसका म्यूजिक रहे right. या इतने मॉक शूट्स इतने लुक टेस्ट सो इट ऑज अ प्रोसेस ऑफ ऑलमोस्ट एट मंथ्स डेट वी वेंट थ्रू बिफोर वी वेंट ऑन फ्लोर सो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस ने मुझे बहुत हेल्प किया तब जाके मैं उस किरदार को थोड़ा सा भी जस्टिफाई कर सका एंड आज भी वो कैरेक्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है सो या थैंक यू सो मच फॉर कि नरेन टू मी इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम थ्रू और आश्री का ऐसे है कि वो कभी भूलते नहीं है कि आपने कुछ पहले काम किया तो वो उनके जो आर्टिस्ट है वो हमेशा साथ में जुड़े हुए रहते हैं ये yes. तो वो बाद में फिर से वो मौका मिल जाता है बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म के साथ में फिर आपको फिर याद किया तो वो कितने साल बाद हुआ कितना टाइम लग गया था uh, ज्यादा टाइम नहीं इनफैक्ट कुछ ही महीनों की बात है बिकॉज मुझे जहाँ तक याद है उस शॉर्ट फिल्म का एडिट और इनिशियल प्रोसेस ही चल रहा था तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गया था उसके बीच में सो so, क्योंकि वो फिल्म शॉर्ट फिल्म भी काफ़ी बाद में रिलीज़ हुई तो यस ज़्यादा वक्त नहीं लगा था वही बोलते ना कि कैसे एक से एक चीज़ें जुड़ने लगती है और अपने आप चीज़ें हो जाती है तो कहीं ना कहीं वैसे हुआ मेरे लिए एंड फॉर्चुनेटली मैं ऐसे लोगों से मिला ऐसे अच्छे लोगों से मिला एंड चीज़ें सब अपने आप हो गई आपने इतनी जगह पर काम किया हुआ है पहले और कितने प्रोडक्शन हाउस में भी आप काम कर चुके हैं आपको क्या डिफरेंस नज़र आया बाकी के प्रोडक्शन हाउसेज में और राजश्री में काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एज आई सेट कि मुझे uh, उस वक्त रियलाइज नहीं हुआ जब मुझे लोग कहते थे कि दैट यू गुड बी स्पॉल्ट आफ्टर वर्किंग विद राजश्री गुंड बी स्पॉल्ट आप कहीं भी और काम करोगे आपको वो डिफ्रेंसीशन तो मिलेगा ही तो डेफिनेटली जैसे कि एक राजश्री में एक इनहेरेंट मिठास है इन सेंस इट इज़ अनबिलीवेबल कि नॉट जस्ट वन पर्सन बट हर एक इंसान जो उस टीम से जुड़ा हुआ है उनके बात करने का तरीका रहने दो या उनका ऑपरेश ऑपरेट करने का तरीका रहने दो उनके हम सेट पे भी कभी जाएंगे तो तो बात करने का एक एक जो पोलाइटनेस है वो आपको आप उनके कामों में भी दिखाई देता है इट कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट्स ऑन द प्रोडक्ट वॉ दे मेकिंग द प्योरिटी ऑफ इट द कामनेस ऑफ इट सेट पर जब आप जाते हो तो एक कामनेस है एक शांति होती है कुछ सेट्स में जैसे हम देखते हैं कभी कभार कुछ के होता है थोड़ा शोर शराबा होता है बट यहाँ पे देर ऑलवेज अ सेंस ऑफ कामनेस पॉजिटिविटी दैट इज देयर सो या वो वो एक चीज है जो मैंने देखा कि uh, राजश्री एंड बाकी प्रोडक्शन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेट्स आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप सेट्स पर गए पहले आपने शॉर्ट फिल्म किया और पिया अलबेला पर गए तो सेट्स पर वो कैसा माहौल था एटमोसफियर कैसा लगा आपको बहुत अच्छा था लाइक इन फैक्ट जो शॉर्ट फिल्म थी वो तो हमने एक uh, कैफे में शूट की थी अच्छा। हाँ उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा जेटर्स थे बिकॉज uh, पहली बार आई वाज गेटिंग एसोसिएट तो आई वाज वेरी नर्वस एक नर्वस एनर्जी थी मेरे अंदर बट द टीम एंड दे मेड मी सो कंफर्टेबल इन द सेंस कि मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं लाइक like, राष्ट्रीय जैसे प्रोडक्शन हाउस में काम हूँ लाइक like, उन्होंने मतलब मेरे ऊपर जो प्रेशर था उन्होंने वो मुझसे मतलब ले लिया था एंड इट वॉज वेरी ईजी वर्किंग अराउंड फॉर द शॉर्ट फिल्म एंड पी आर बेला में जो प्रोसेस था वो इतना जो चला दैट मेड मी कंफर्टेबल एवरी डे मीटिंग पीपल टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्ट द कैरेक्टर कि जब मैं सेट पे शूट करने के लिए पहुँचा तो एक कहीं ना कहीं ना एक ऑलरेडी एक कम्फर्टनेस था बिकॉज ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं किसी शो का शूट शुरू करने से पहले ही मैं उस टीम का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका था सो so, या yeah. आप मिस करते हो वो वक्त शॉर्ट फिल्म्स और पीएल मिला के बहुत, जितने बहुत, बहुत, भी सारी चीजें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। आई आई मीन मैं अभी भी कुछ लोगों से जुड़ा हूँ जो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है यस 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 तो हम, तो हम लोग काफ़ी बार उन पुराने दिनों को याद करते हैं बात करते हैं एंड देर इज अ कॉन्स्टेंट कंपेरिजन दैट है इन योर हेड ऑल्सो कि वहाँ कैसे था वहाँ कैसे एटमोसफियर uh, था वहाँ कैसी दोस्ती थी वहाँ कैसा लगाव था एंड या uh, yeah, मैं मिस तो बहुत करता हूँ जी yeah. आपके जब आपने जब सारी की सारी चीज़ें पी विला का जब ही रैपअप हुआ इतने सारे लोगों के आप एसोसिएटेड थे तो रोज सेट्स पर आना मिलना तो जब रैपअप हुआ तो वो एक फीलिंग जो थी काफ़ी इमोशनल थी इमोशनल हो गए थे आ, uh, uh, हाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे वो कॉलेज का फेवल याद आ गया था एंड uh, मुझे आज भी वो याद है जब लास्ट शॉट जब हम सब uh, साथ में थे जी। मतलब हम कोई चाह नहीं रहा था कि ये ख़त्म हो एंड uh, हम सब लोग बहुत अपसेट थे बहुत दुखी थे बट जिस तरीके से हमने उस शो का अंत भी कराया ना वो इतने पॉजिटिव नोट पे हमने कराया था कि एक लाइक एक इनहेरेंट सैडनेस थी लेकिन एक जश्न का माहौल था एक बहुत पॉजिटिविटी थी कि लाइक हम दोबारा आएंगे एंड लाइक एन ऑल ऑफ दैट सो वो एक, एक वो जज्बा भी था एंड वी एंडेड द शो ऑन अ ग्रेट हाई बट येस सबको एंड में अलविदा कहते हुए सबसे सबको हक करते हुए काफ़ी इमोशनल हुए थे सब बट या इट वॉज रियली इमोशनल बट टाइम मूव्स ऑन लाइफ मूव्स ऑन एंड होपफुली वील बी बैक विथ समथिंग इंटरेस्टिंग मैं तो रुका हूँ कि कब मुझे दोबारा मौका मिलेगा राशि के राज के साथ जुड़ने का एंड अगेन मेक सम न्यू मेमोरीज दैट विल स्टे विद मी फॉर माय लाइफ अक्षय इट वाज लवली टॉकिंग टू यू थैंक यू अक्षय थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एंड मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा राजश्री को ऑन कंप्लीटिंग सेवेंटी फाइव ईयर्स इन दिस इंडस्ट्री इट इज इट इज़ अ ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट एंड आई वुड जस्ट विश कि ये ऐसे ही और, और सालों साल चलें और हम ऐसी ही मुलाकात करते रहें जुड़ते रहें आप लोगों से और ऐसे ही प्यार बांटते रहें सो या कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग